Hey everyone, this is Shivani and welcome back to my channel Live Heartly. दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बना रही हूँ 3D क्ले पेंटिंग. इसको मैंने गोल्ड फॉयल से बनाया है. अगर आप गोल्ड फॉयल नहीं जानते हैं तो ऊपर आप देख सकते हैं, इससे मैं आज पेंटिंग बनाऊँगी. इसको गोल्ड लीफ पेंटिंग भी बोलते हैं. गोल्ड लीफ से पेंटिंग मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है और मुझे बनाने में बहुत ही मज़ा आया है. तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं 3D गोल्ड लीफ पेंटिंग कैसे बनाते हैं. सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है राउंड शेप का MDF बोर्ड और इस पे हम डिजाइन के अकॉर्डिंग डिफरेंट शेप एंड साइज का बटरफ्लाई ड्रॉ कर लेंगे. अब हम लेंगे मोल्डेड क्ले और इसको मिक्स कर लेंगे. आप एक बार में बहुत सारे क्ले को मिक्स ना करें क्योंकि यह आधे घंटे बाद ड्राई होने लगता है, तो आप थोड़ा थोड़ा कर इसे मिक्स कर लें. मिक्स करने के बाद इसको चपाती की तरह बेलेंगे, तो यहाँ आप कोई भी टैल्कम पाउडर डस्ट कर लें और रोलिंग पिन से इसे बेल लें. रोलिंग पिन की जगह मैं यहाँ फेविकॉल के बॉटल का यूज कर रही हूँ. आप कोई भी सिलेंड्रिकल बॉटल यहाँ यूज कर सकते हैं. जितनी थिकनेस चपाती की होती है उतना ही थिक हम इस क्ले को बेल लेंगे. बेलने के बाद हम इसे कोई भी कटर से बटरफ्लाई शेप में कट कर लेंगे. अगर आपके पास बटरफ्लाई स्टेंसिल है तो आप उससे कट कर सकते हैं, उससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा. कट करने के बाद हम फेविकॉल की हेल्प से इसे MDF बोर्ड पे पेस्ट कर लेंगे. जो डिज़ाइन आपने MDF बोर्ड पे बटरफ्लाई का बनाया है उससे अगर क्ले का साइज और शेप डिफरेंट हो रहा है तो कटर की हेल्प से आप उसे उस शेप में बना सकते हैं. अब हम अपने उंगली में टैल्कम पाउडर लगाएंगे और इसे स्मूथ कर लेंगे. क्ले को स्मूथ करने के बाद हम बटरफ्लाई के बीच का पार्ट भी क्ले से बना लेंगे और इसे फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर लेंगे. आप अपने फिंगर पे टैल्कम पाउडर लगाकर क्ले पे प्रॉपर शेप और टेक्सचर दे सकते हैं. ऐसे ही आप क्ले से बटरफ्लाई बना लें और इसे MDF बोर्ड पे स्टिक कर लें. मेरे पास बटरफ्लाई के कुछ स्टेंसिल हैं, इसकी हेल्प से मैं बटरफ्लाई बना लूंगी और MDF बोर्ड पे स्टिक कर लूंगी. वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह मैं क्ले को स्टेंसिल में डाल रही हूँ और इसे दबाते हुए प्रॉपर शेप दे रही हूँ. फिर जब शेप दे देंगे तो नीचे से स्टेंसिल को प्रेस करेंगे तो वह प्रॉपर बटरफ्लाई शेप में क्ले निकल के आ जाएगा. आप देख सकते हैं कितना सुंदर बटरफ्लाई यहाँ बनकर आया है. इसे हम ग्लू से स्टिक कर लेंगे. ऐसे ही मैं डिफरेंट शेप और साइज का बटरफ्लाई बना लूंगी और MDF बोर्ड पे स्टिक कर लूंगी. बटरफ्लाई बनाने के बाद हम एक ब्रश की हेल्प से बोर्ड को क्लीन कर लेंगे. बोर्ड पे हमने जो बटरफ्लाई ड्रॉ किया था अगर वह दिख रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब हम इसे पेंट करेंगे तो वह छुप जाएगा. अब हम लेंगे एक्रेलिक कलर और स्पॉन्ज की हेल्प से मैं यहाँ ब्लैक कलर पेंट कर रही हूँ. पूरे बोर्ड पे अच्छी तरह मैंने यहाँ ब्लैक कलर से पेंट कर दिया है. अब हम कर लेंगे इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट. सबसे पहले मैं यहाँ बटरफ्लाई पे लगा रही हूँ ग्लू. मैंने यहाँ मॉज पॉज ग्लू लिया है. आप कोई भी एडहेसिव ग्लू यहाँ यूज कर सकते हैं. ग्लू को आप अच्छी तरह लगाएं. ट्राई करें बटरफ्लाई के बाहर ग्लू ना लगे, क्योंकि जहाँ जहाँ ग्लू लगेगा वहीं पर गोल्ड लीफ स्टिक होगा. ग्लू लगाने के बाद हम 2 से 3 मिनट ग्लू को ड्राई होने के लिए रख देंगे. उसके बाद हम गोल्ड लीफ इस पे लगाएंगे.
वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह मैं गोल्ड लीफ को बटरफ्लाई पे रख रही हूँ। इसे हमें बहुत ही केयरफुली रखना है। लीफ को अच्छी तरह रखने के बाद हम इसे सॉफ्ट हैंड से प्रेस करेंगे और जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा लीफ निकल रहा है वहाँ हम ब्रश की हेल्प से उसे निकाल कर जहाँ गोल्ड लीफ नहीं लगा है वहाँ हम इसे लगा लेंगे। ब्रश और उंगली की हेल्प से आप बटरफ्लाई को गोल्ड लीफ से अच्छी तरह पूरी तरह कवर कर लें। इसी मेथड से हम पूरे बटरफ्लाई पे गोल्ड लीफ लगा लेंगे। आप गोल्ड लीफ को छोटे छोटे पीसेस में कट भी कर सकते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह मैं इसे कट कर रही हूँ। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां क्लिक कर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। जब आप गोल्ड लीफ को फिंगर या ब्रश से प्रेस करेंगे तो कहीं कहीं गोल्ड लीफ क्रैक होने लगेगा, तो कोई बात नहीं है, बटरफ्लाई के साइड में जो एक्स्ट्रा गोल्ड लीफ निकल रहे हैं उसे आप फिर से यूज करके जो क्रैक पोर्शन है उसे कवर कर सकते हैं। पूरे बटरफ्लाई पे मैंने अच्छी तरह गोल्ड लीफ लगा लिया है और आप देख सकते हैं यह कितना सुंदर लग रहा है। गोल्ड लीफ लगाने के बाद अब एक ब्रश की हेल्प से आप इसे क्लीन कर लें। इसे हैंग करने के लिए आप बोर्ड के पीछे डबल साइडेड टेप लगा सकते हैं। तो कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।